हाय हेलो नमस्कार। और 21 तारीख, आज दिनांक 21 तारीख में IBPS ने एक बहुत बड़ी खबर जारी कर दिया है। थोड़ा सा नाराज है और थोड़ा सा अजीब भी लगता है, क्योंकि अगर डिसीजन इनको ऐसा लेना ही था तो फिर उस टाइम पे क्या हड़बड़ाहट थी कि वो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवा रहे थे। आपको याद है कि 3 दिन पहले इन्होंने एडमिट कार्ड जारी किया था और लोग जिस हिसाब से आनन फानन में टिकट्स बुक करके, जिस हिसाब से जुगाड़ करवा के एग्ज़ामिनेशन हॉल तक पहुंचे थे, वो उनको ही पता है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि दो बड़ी खबर यहां पे निकल के आ रही है कि सबसे पहला IBPS क्लर्क की जो वैकेंसीज आई थी उसको अपडेट कर दिया है, वैकेंसीज बढ़ चुकी है। आप उसको जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, अपने जो भी राज्य से बिलोंग करते हैं उसी राज्य का सेट्स आप देख सकते हैं। दूसरा बड़ा खबर जो है वो बड़ा खबर है तो फिर आपको हेडलाइंस में डालना चाहिए। आपको ऐसा है कि आपको होम पेज के सेक्शन में न्यू करके डालना चाहिए, लेकिन IBPS ने ये नहीं किया है। IBPS के RRB सेक्शन में अगर आप जाएंगे तब आपको अंदर जाकर पता चलेगा कि सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट इन्होंने RRB के लिए भी निकाला है। आपको पता है मैं बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बोला था कि शायद यही रीज़न है कि IBPS इसलिए एग्ज़ाम्स को डेफर करा दिया है, मेन्स एग्जामिनेशन को डेफर करा दिया है। डेफर करा दिया है मतलब उसका रिजल्ट भी डेफर हो चुका है। और मैंने रीज़न क्या दिया था, मैंने बोला था कि काश ऐसा एक चीज़ होता कि लोग दोबारा एग्जामिनेशन दे पाते तो उनके लिए अच्छा होता। तो मैं आपको बता दूं कि IBPS ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है आज दिनांक 21 तारीख में कि सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट करके उन्होंने ये बोला है। मैं आपको साफ साफ तौर पर बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके एग्जामिनेशन ख़राब हुआ है, आप दोबारा अप्लाई करेंगे और दोबारा एग्जामिनेशन देंगे तो अच्छा हो जाएगा तो सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये उनके लिए ही है जिन्होंने ग्रीवेंसेस डाला था, याद है ना। आशीष भाई आपको बार बार बता रहा था कि ग्रीवेंसेस डालो, ग्रीवेंसेस डालो, ग्रीवेंसेस डालो, ये लोग मजबूर होंगे आपके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए। अब हुआ भी कुछ ऐसा, IBPS RRB ने अभी जो है सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट में लिख दिया है कि जो लोग एग्जामिनेशन दे नहीं पाए, ध्यान देने वाली बात है कि जो लोग एग्जामिनेशन दे नहीं पाए उनके लिए ही ये जो है लिंक खुलेगा। और जो दिए, मर मर के दिए और जिस हिसाब से वो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच के एग्जामिनेशन दिए, उनका कुछ नहीं। तो अगर मैं वही बोला ना स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो में कि अगर आपको एग्जामिनेशन ऐसे ही करवाना था तो आपकी हड़बड़ाहट किस बात की थी, थोड़ा सा देरी में कर लिए होते तो आराम से कितने प्यार से सभी लोगों ने दे दिया होता। तो मैं आपको बता दूं कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, खास तौर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एडिट का ऑप्शन इन्होंने दिया है, यानी शायद हो सकता है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं बन रहा है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि चॉइस एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस भी ये लोग अलग कर दें। 26 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 9 तारीख तक चलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि दिसंबर में शायद हो सकता है कि मेंस एग्जामिनेशन हो जाए। तो देरी हो रहा है यार, और पता नहीं कब तक ये सब चीज़ें चलेगी। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इनके लिए कब होगा, 31/12/2020 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ऑफिस असिस्टेंट का 2/2021, 4/2021, दैट मीन्स मेंस एग्जामिनेशन शायद दिसंबर में भी ना हो, उसके बाद ही 2021 में आपको देखने को मिलेगा। तो देरी हो रहा है यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से चीज़ें चल रही है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया है कि लास्ट डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, और एक बात है कि इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी थोड़ा सा कंसिडर किया है, वो अच्छी बात है। जो एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूँ मैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, राइट, बिकॉज आपको पता है कि सभी यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट को भी डिले कर दिया है। अगर रिजल्ट मार्च को आना था, एग्जामिनेशन दे पाते थे, लेकिन वो इस साल थोड़ा सा देरी हो गया, तो इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी जो है कंसिडर किया है। 9/11/2020 से पहले अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन दुख इस बात की है कि अगर ऐसा ही करवाना था तो हड़बड़ाहट किस बात की थी।